also. Okay. Yes, come on. आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है वी1 न्यूज़ में। वी1 न्यूज़ से जुड़े रहें ताज़ा तरीन खबरों के लिए। WFF इंडिया तेलंगाना स्टेट 2021 बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन 3 अप्रैल को KLN प्रसाद ऑडिटोरियम लकड़ी का पुल में मुनक़िद किया गया था। इस कंपटीशन में कई बॉडी बिल्डर्स ने हिस्सा लिया और इस कंपटीशन में जीतने वाले को गोल्ड मेडल, ट्रॉफी और कैश प्राइज से नवाजा गया। इस बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के मेकर मोहम्मद अकरम मसलमेनिया ने इस कंपटीशन के जजेस और मीडिया पार्टनर्स का शुक्रिया अदा करते हुए सबको सर्टिफिकेट और मेडल से नवाजा। मोहम्मद अकरम ने तमाम स्पॉन्सर्स का भी शुक्रिया अदा किया। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियाँ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं मोहम्मद अकरम, मसलमेनिया इंडिया चैम्पियन 2019 और 2020। आज वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन की तरफ से, इंडिया की तरफ से वर्ल्ड फिटनेस तेलंगाना चैम्पियनशिप हुआ है। मिस्टर एंड मिस तेलंगाना स्टेट लेवल चैम्पियनशिप हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो सोचे थे उससे ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा कॉम्पिटिशन सक्सेस हुआ है और एथलीट्स बहुत अच्छे एथलीट्स आए थे। उनके जो प्रिपरेशन हार्डवर्क था वो देखने को मिला यहाँ पे। और ये कंपटीशन और भी इससे ज़्यादा बड़ा करना था हमें, बट एज़ पर द गवर्नमेंट रूल्स है, हम गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हुए थोड़ा इसको शॉर्ट कर दिए। और यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो हुए हैं गवर्नमेंट के, मास्क, सैनिटाइजिंग एंट्रेंस पे ही, और यहाँ पे बाउंसर्स रखे थे, सोशल डिस्टेंसिंग रखे थे, सारी चीज़ जो है गवर्नमेंट के रूल से फॉलो हुए हैं। और यहाँ पे मेरे पास 15 कैटेगरी थे इसमें, ये कंपटीशन में, और हैंडीकैप वालों को फ्री था। और बहुत बहुत खुशी हुई और पूरे गूज़बम्स आ रहे मेरे को जो मैं हैंडीकैप एथलीट को देखा, क्योंकि मैं भी एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से बच के आया हूँ मल्टीपल सर्जरीज के साथ, तो देख के बहुत खुशी हुई हैंडीकैप वालों को। और 15 कैटेगरीज थे टोटल, बहुत अच्छे एथलीट्स थे, आउट ऑफ स्टेशन से आए थे एथलीट्स, निज़ामाबाद, संगारेड्डी, विकाराबाद, बहुत दूर दूर से आए थे एथलीट्स, कम्पीट किए, बहुत खुश हुए। मेरे जो ट्रॉफीज़ है जो मैंने डिज़ाइन किया था, और ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, और ये फेडरेशन की सर्टिफिकेट इन लोग को इतनी वैलिड रहेगी। वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन इज़ द बेस्ट फेडरेशन ऑफ एवरी वन अदर फेडरेशन। वी आर हेल्पिंग टू एथलीट्स डूइंग द बेस्ट जजिंग। थैंक यू टू माई ऑल जजेस हु हैज कम बाहर से, जो आउट ऑफ स्टेशन से आए थे, क्योंकि जजिंग में कोई गलती ना हो इसलिए आउट ऑफ स्टेशन से जजेस को बुलाया थे। फेडरेशन के जजेस रहते हैं, ये फेडरेशन का रूल ही है कि जहाँ कंपटीशन होता है उसे हट के आउट ऑफ स्टेशन के जजेस आते हैं और यहाँ पे जजिंग करते हैं। और ये तेलंगाना का फर्स्ट कंपटीशन था ये फेडरेशन से, इंशाल्लाह हम एवरी ईयर कराएंगे और इससे बेटर कराएंगे। ओवरऑल चैम्पियन को हम लोग ने 25,000 कैश प्राइज दिया है और प्रोबस की कंपनी से जो है ना ब्रांड एम्बेसडर ने दिए हैं एथलीट को, ओवरऑल चैम्पियन को। और मेरे स्पॉन्सर्स, आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू माई स्पॉन्सर सॉलिटेयर फिटनेस, हु हैज 6 to 7 ब्रांचेस इन हैदराबाद, द बेस्ट फिटनेस ऑफ सॉलिटेयर, बहुत अच्छा फिटनेस सेंटर है और बॉडी बिल्डिंग के लिए भी है। तो और मेरे जो जर्मन टेन डॉक्टर जवाद सर है, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, एंड माय अदर न्यूट्रिशन वर्ल्ड, वेरी स्पेशल थैंक टू न्यूट्रिशन वर्ल्ड, प्रोबस, मैक्सन, ड्रीम होम बिल्डर्स, स्पेशल थैंक्स टू एक्सट्रीम फोर्स फिटनेस क्लब हु हैज स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस कॉम्पिटिशन, सैयद अफजल हाशमी, थैंक यू सो मच फॉर दिस इवेंट। और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद से ज़्यादा सक्सेस मिला है कॉम्पिटिशन में, और मैं जैसा सोचा हूँ एथलीट उससे ज़्यादा खुश होके गए हैं यहाँ से। आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि ये कमाने की कोई नीयत नहीं थी इसमें, एथलीट को कम फीस रखे थे और बेनिफिट ज़्यादा देने का रखे थे। ये फेडरेशन का सर्टिफिकेट उन लोगों को इतना वैलिड आएगा आगे, इंशाल्लाह ये तेलंगाना में जो कम्पीट किए हैं इंडिया अपने लेवल में कम्पीट कर पाएंगे। अपकमिंग इवेंट आने वाला है मिस्टर इंडिया, उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियन आएगा, तो स्टेप बाई स्टेप ईजी और सबसे ईजी हो जाएगा इंटरनेशनल, जैसा दूसरे एथलीट्स दूसरे फेडरेशंस में प्राइवेट फेडरेशंस बन गए आजकल, उसमें बहुत स्ट्रगल करते हैं, बट इंटरनेशनल जाने के लिए लाख्स ऑफ रुपीज़ जो है ना इन्वेस्ट करना पड़ता है, बट उसके बाद भी कुछ हासिल नहीं होता है। तो ये फेडरेशन
is the best in the judging and supporting to the bodybuilders, athletes to make their good future in upcoming future. इंशाल्लाह हर साल करेंगे, इससे बेटर करेंगे और इससे बड़ा लेवल का करेंगे और भी ज़्यादा अपने स्पॉन्सर्स और गेस्ट ऑफ ऑनर्स से बेस्ट गेस्ट ऑफ ऑनर्स आएंगे. कोविड की वजह से कुछ मेरे गेस्ट ऑफ ऑनर्स नहीं आ पाए एंड आई एम थैंकफुल टू देम आल्सो सपोर्टिंग फॉर मी एंड स्पेशल वेरी स्पेशल थैंकफुल टू माई मीडिया पार्टनर्स हु हैज लाइक बहुत बहुत सपोर्ट करे हैं इवन शो होने से पहले भी और शो के दिन भी बहुत सपोर्ट किए. थैंकफुल टू माय ऑल मीडिया पार्टनर्स एंड माय ऑल स्पॉन्सर्स, गेस्ट ऑफ ऑनर्स, माय जजेस एंड ऑडियंस एंड ऑल द एथलीट्स. कॉन्ग्रेचुलेशंस जो जीते और जो नहीं भी जीते उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस बीइंग ए पार्ट ऑफ मिस्टर एंड मिस WFF इंडिया मिस्टर एंड मिस तेलंगाना चैम्पियनशिप ऑफ 2021. सबका धन्यवाद करता हूँ और मेरा नाम कुमार भी है और मैं तेलंगाना से आता हूँ. बी फिटनेस से प्रैक्टिस करता हूँ. मेरा कोच साहब मधुसूदन रेड्डी हम लोग सपोर्ट करता है बहुत. ऐसे वर्ल्ड फेडरेशन अच्छा कॉम्पिटिशन किया हुआ इधर क्या बॉडी बिल्डर को मोटिवेशन हो जाता है और कैश प्राइस देने से और अच्छा मोटिवेशन होता है. थोड़ा जोर आते बंदे को और सपोर्टिंग देते हैं कैश प्राइस देने से. और मेरा मैं तो 6 साल से इस फील्ड में बॉडी बिल्डिंग में करता हूँ. मैं अभी नेशनल के लिए तैयारी कर रहा हूँ और हाँ इंडिया लेवल से इसके लिए तैयारी चल रहा है और अच्छा पार्टिसिपेट किया मैंने. ओवरऑल चैम्पियनशिप मारा और आगे करने के लिए एसोसिएशन वगैरह और स्पॉन्सर वगैरह सपोर्ट मिलने से और अच्छा कर सकते हैं. ओके हाँ मेरा तो उम्मीद है मैं पक्का फर्स्ट मारूँ दोनों मेरा तो बढ़िया लग रहा है मेरा. मेरा इस साल का पहला टूर्नामेंट है ये. फर्स्ट मैं फर्स्ट मारूँगा सोच के आया था और अच्छी और सबको धन्यवाद करता हूँ. Thank you.